गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका वासु कॉन्सेप्ट के एक नए वीडियो में। हमारी चल रही थी मेंचुरेशन 3D की सीरीज। तो मेंचुरेशन 3D के अंदर अब तक हमने डिस्कस कर लिए हैं 13 पार्ट। 13 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग और ये हमारा 14th पार्ट। तो थ्योरी को हमने क्या किया था, स्टेप बाय स्टेप लेकर के चले थे। सबसे पहले लेक्चर में देखा था कि मेंचुरेशन 3D की कैलकुलेशन कैसे होती है, फिर क्यूब पढ़ा, क्यूबॉइड पढ़ा, घन, घनाभ, सिलेंडर, एक एक करके हर वीडियो में एक पार्ट को हमने समझा। तो ये थ्योरी की अगर बात करें तो ये हमारा आखिरी पार्ट है, प्रिज्म। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो CDS ने, SSC, CGL ने, CHSL ने, CPO ने जो ठीक लेवल के सवाल किए हैं, पूछे हैं मतलब। तो यहां पर क्या था, अब तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें हर पार्ट में क्या कर रहे थे, एक पार्ट पढ़ते थे, जैसे क्यूब पढ़ा, क्यूब पर बेस जितने भी सवाल थे उनको डिस्कस किया। इस पार्ट के बाद हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे मिक्स टाइप के क्वेश्चंस की, दो या तीन, क्यूब पर, क्यूबॉइड पर, सिलेंडर पर, कोन पर, मिक्स होकर के जो सवाल बनते हैं उनको हम देखना शुरू करेंगे। तो ये हमारा पार्ट है प्रिज्म का, पार्ट 14। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाएं, वासु कॉन्सेप्ट चैनल का नाम है, प्लेलिस्ट में जाएं, मेंचुरेशन 3D नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब देखो प्रिज्म होता क्या है, अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऐसी आकृति जो आधार से शीर्ष तक एक जैसी है। कहने का मतलब ऐसी शेप जो बेस से लेकर टॉप तक एक जैसी होती है, प्लस उसमें कोई भी सर्कुलर कर्व नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक शेप दिखाता हूं, ये शेप है अपने पास, तो इसे आप क्या कह सकते हो कि ये प्रिज्म है। प्रिज्म कैसे हुआ भाई, इसका बेस एक पेंटागन, पंचभुज है, इसका टॉप एक पंचभुज है, और जैसी ये नीचे है वैसी की वैसी ये ऊपर तक है। तो इस वजह से इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रिज्म कह सकते हैं। अब देखो यहां पर प्रिज्म की डेफिनेशन में कौन कौन आता है और हमने क्या पढ़ लिया था। तो हमने जो क्यूब पढ़ा था, जो हमने घन पढ़ा था, घन भी असल में क्या था हमारा, प्रिज्म था, क्योंकि नीचे से ऊपर तक एक जैसा था। ऐसे ही अगर हम बात करें क्यूबॉइड की, जो हमने घनाभ पढ़ा था वो भी क्या था आपका, प्रिज्म था। इन दोनों का क्या है, एक अपना इंपोर्टेंस है, तो इसलिए इनको क्या किया हमने, प्रिज्म के साथ डिस्कस नहीं किया, इनको अलग से डिस्कस कर दिया। अब बात करें सिलेंडर की, सिलेंडर क्या, नीचे से ऊपर तक तो एक जैसा है, तो यहां क्या होगा, जो कॉन्सेप्ट आपके प्रिज्म के होते हैं वो कॉन्सेप्ट आप सिलेंडर में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रिज्म की डेफिनेशन ये कहती है कि उसमें कोई भी सर्कुलर कर्व नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से सिलेंडर को प्रिज्म की डेफिनेशन में नहीं रखा जा सकता। एक तो मैंने आपको ये फिगर दिखाया है, इसके अलावा एक दो फिगर और दिखाऊं। जैसे यहां पर हम लोग बात करें, ये इसका बेस एक रेगुलर हेक्सागन है, ये ऊपर भी रेगुलर हेक्सागन, नीचे भी रेगुलर हेक्सागन, और नीचे से ऊपर तक ये शेप एक जैसी है, इस वजह से इसको भी क्या कहते हैं हम लोग, प्रिज्म कह देते हैं। इसके अलावा जैसे इसका बेस क्या है, एक ट्राइंगल, इसका टॉप भी क्या है, एक ट्राइंगल, और ये शेप क्या है, नीचे से लेकर ऊपर तक एक जैसी है, इसलिए इसको भी क्या कह सकते हैं हम लोग, प्रिज्म कह सकते हैं। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात कि किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम कैसे लिखा जाए। तो जो अपना सबसे पहला ही लेक्चर था वहां डिस्कस किया था कि वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो कोई भी शेप अगर नीचे से ऊपर तक एक जैसी है तो आयतन आप लिख सकते हो वॉल्यूम इक्वल्स टू बेस एरिया, बेस एरिया आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया, क्लियर है। अब बात करें जैसे वॉल्यूम, ये सब जगह अप्लाई होता है, जैसे क्यूब पर आप इस पर दिमाग लगाते हो, क्यूबॉइड पर लगाते हो, तो हर जगह ये चीज अप्लाई होगी। अब बात करें लेटरल सरफेस एरिया, तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हो या कर्व सरफेस एरिया कह सकते हो, तो बात को समझना। देखो ये इसका टॉप हो गया, ये इसका बेस हो गया। अब ये जो पार्ट है बाहर, ये इसका क्या है, लेटरल सरफेस कहते हैं इसको।
अब देखो मान लेते हैं इसकी ऊंचाई क्या है h। अब मैं इसको रेगुलर पेंटागन नहीं मान रहा, एक बार के लिए मैं क्या मान रहा हूं, नॉर्मल पेंटागन है। ये साइड इसकी a, ये वाली b, ये वाली c, ये d और ये e। अब आपसे कोई कहे कि भाई इसका एरिया बताओ, लेटरल सरफेस एरिया बताओ, तो आप क्या कहोगे, भाई ये साइड इसकी ए है, हाइट इसकी एच है, तो ये दिखने में क्या है, एक रेक्टेंगल जैसा है, आयत के जैसा है। तो इसका मतलब जब आप इसका एरिया लिखोगे इस सरफेस का, तो क्या लिखोगे, एच। ऐसे ही देखो अगली साइड इसकी बी है, हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, बी इंटू एच। फिर अगली साइड इसकी क्या है, सी, और हाइट एच तो सी एच, और उससे आगे ऐसे ही आप लिखोगे डी एच, और पांचवी साइड इसकी ई एच। अगर ये मैं एग्जाम्पल आपको ट्राइंगल के थ्रू समझाना चाहूं, तो मान लो ये साइड आपकी क्या है, ए, और ये हाइट इसकी क्या है, एच। तो इस सरफेस का एरिया रेक्टेंगल के जैसा दिख रहा है एकदम, आयत के जैसा, तो इसका एरिया ए इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगली सरफेस पर आ जाते हैं, ये साइड बी है इंटू में एच, अगली साइड ये सी है इंटू में एच। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तीन ही साइड होती तो हम लोग इस बात को यहीं तक रखते। अब हमने बात की थी पेंटागन की, पूरे में क्या हुआ, एच आपका कॉमन आ गया, और बाहर क्या निकल के आया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये लिखा जा सकता है। अब एक कॉमन सेंस लगाओ, ये क्या है, ये असल में देखा जाए तो ये जो पेंटागन था, ये पंचभुज जो था, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो सबको जोड़ा तो ये इसकी क्या आ गई, पेरीमीटर। तो असल में देखा जाए तो ये जो बात यहां लिखी है, ये क्या है, बेस पेरीमीटर, आधार का परिमाप, और इनटू में क्या आ गया आपके पास, एच। ऐसे ही अगर हम इसको डिस्कस करते ट्राइंगल के लिए, तो आप क्या कर रहे थे भाई, ए एच बी एच सी एच। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बेस पेरीमीटर को अगर आप हाइट से गुणा कर देते हैं, तो प्रिज्म जो होता है उसका क्या निकल के आ जाता है, लेटरल सरफेस एरिया। तो हमने ये कंक्लूजन भी निकाल लिया। तो इसमें कुछ रटने वाली सी बात नहीं है कि आप इन चीजों को रटें, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट, कॉमन सेंस लगाओ हर चीज को, इसीलिए ये जो शेप्स हैं इनको काम में लेते हैं कि आपको अच्छे से बातें समझ में आए। अब बात कर लेते हैं भाई टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो जैसा इसका बेस है वैसा का वैसा इसका टॉप होगा, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हो आप, टू इंटू बेस एरिया, दो गुणा आधार का क्षेत्रफल लिखा जा सकता है, प्लस लिटल सरफेस एरिया, तो ये क्या हो गया भाई, बेस पेरीमीटर इनटू में हाइट। तो यहां से जो एक अपना कंक्लूजन निकला है, उस कंक्लूजन की अगर मैं आपके सामने बात करूं, तो कंक्लूजन बड़ा ही आसान सा निकला है। कोई भी प्रिज्म हो, किसी भी टाइप का, उसका बेस ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, ट्रेपीजियम हो, रेगुलर हेक्सागन हो, रेंडम पेंटागन हो, रेगुलर पेंटागन हो, वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल है। कोई भी शेप अगर नीचे से ऊपर तक एक जैसी है, तो आप कहोगे आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, वॉल्यूम इक्वल्स टू बेस एरिया इनटू हाइट। फिर उसका जो एक लिटरल सरफेस एरिया कह लो या कर्व्ड सरफेस एरिया कह लो, वो क्या होगा, बेस पेरीमीटर इनटू में हाइट, ये लिखा जा सकता है। फिर टोटल सरफेस एरिया, तो जैसा बेस है उसका वैसा का वैसा टॉप होगा, तो टू इंटू बेस एरिया प्लस लिटल सरफेस एरिया, जो क्या लिखते थे, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। तो अब आ जाते हैं इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस के पर, कि अब तक जो एसएससी ने, क्योंकि ये चैप्टर क्या है कि ऐसा है कि इससे बहुत ज्यादा सवाल नहीं बन रहे, कभी कभार मेंस के अंदर जरूर आजकल सवाल बनाने लग गया है, तो बहुत सारे बच्चों के लिए ऐसा चैप्टर है जो नया है। बाकी आपको आपने देखा चीजें सारी की सारी इसमें आसान थी। तो कुल मिलाकर के अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो अब तक एसएससी सीजीएल ने सीडीएस ने पूछे हैं। तो यहां से देखो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे यहां से। देखो सवाल की लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले, तो इसने क्या कहा कि एक प्रिज्म का आधार, एक प्रिज्म है उसका जो बेस है वो एक षटभुज है, समषटभुज कर देना इसको, रेगुलर हेक्सागन, इंग्लिश के अंदर लैंग्वेज करेक्ट है। फिर इसने क्या कहा भाई, इसकी हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है,
प्रिज्म का जो टोटल सरफेस एरिया वो 156 रूट तीन है, इसका आयतन हमें निकालना है। आखिरी बात तो बड़ी आसान है कि बेस एरिया इंटू हाइट। अब देखो रेगुलर हेक्सागन आपने नहीं पढ़ रखा है तो थोड़ा सा हल्का सा यहां रिलेट करूंगा, बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा उसके बारे में कि असल में देखा जाए तो रेगुलर हेक्सागन सम षटभुज जो है अगर आप इसको ब्रेक करके देखते हैं तो ये असल में बना होता है 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से, ये साइड ए ए ए इस हिसाब से। तो एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन आप लिख सकते हो 6 इंटू एरिया ऑफ वन इक्विलेटरल ट्राइंगल। रेगुलर हेक्सागन पर मैंने दो वीडियो बना रखे हैं, उनमें सारी चीजें डिस्कस की है, इसके डायगोनल्स क्या होंगे, यहां से यहां क्या होगा, इसमें सर्कल बनेगा, वो सारा कुछ आप देख लेना प्लेलिस्ट से। एरिया की नीड है तो इस पार्ट का जो एरिया, ये साइड ए है तो ये वाली ए और ए हो जाती है, तो 6 गुना 1 इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो रेगुलर हेक्सागन का एरिया बन जाता है जैसे ही आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो। तो यहां पर अपने को इतनी सी चीज की नीड है। अब आ जाते हैं सवाल पर। देखो मैं ऐसा कर लेता हूं, जो रेगुलर हेक्सागन है उसकी साइड मान लेता हूं ए, तो रेगुलर हेक्सागन का जो एरिया है 6 इंटू एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 ए स्क्वायर, 6 से बना था तो ये क्या आ गया अपना भाई, ये अपना आ गया बेस एरिया इनटू में इसकी क्या है हाइट 10, और इक्वल में क्या निकल के आएगा अपना बेस एरिया इनटू में हाइट, ये अपना क्या हो जाएगा वॉल्यूम। अच्छा इसने अपने को क्या दिया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो थोड़ा सा बात को चेंज करना। देखो ये जो है अपना बेस एरिया इसको जस्ट डबल कर दोगे तो जैसा बेस है वैसा का वैसा टॉप, और फिर क्या बेस पेरीमीटर, एक साइड ए है तो 6 साइड है 6, तो 6 ए गुणा हाइट बेस पेरीमीटर इनटू में हाइट, और इक्वल में जो रिजल्ट निकल के आया है वो कितना है 156√3, ये अपने को दिया है, अपने को टोटल सरफेस एरिया दिया था, कैंसिल आउट कर दोगे 6 गुणा 2 12, 4 से काटोगे 3 बार, 3 से कट रहा है काट लेते हैं, ये 3 से काटा 2 बार, ये 3 से काटा 52 टाइम्स। अब देखना जरा यहां जो बात बात रही अपने पास वो हो गई √3 सॉरी ए स्क्वायर 10 गुणा 2 20 सॉरी 20 ए बराबर 52√3। अब देखो जब भी कभी ऐसी जगह अपनी इक्वेशन चली जाती है तो यहां आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना है, कॉमन सेंस के साथ समस्या ये है कि ये इतना कॉमन नहीं है। कॉमन सेंस क्या अप्लाई करोगे भाई, देखो इनमें जो रिजल्ट्स होते हैं वो जनरली परफेक्ट ही निकल के आते हैं, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चक्कर में फंस जाए, इसको इधर लेकर के जाएंगे ब्रेक करेंगे उसमें भी टाइम लगेगा, या आप दिमाग लगा लो कि कोई रेंडम वैल्यू उठाएं, ठीक है रिजल्ट √3 में बनेगा, ये तो कुछ भी मान लो ये तो परफेक्ट बनेगी, जैसे आपने √3 माना स्क्वायर हो जाएगा, √6 माना स्क्वायर हो जाएगा, √2√3 माना स्क्वायर हो जाएगा, √4√3 माना स्क्वायर हो जाएगा, ये हमें बताता है कि इन दोनों को जोड़ोगे √52 आएगा, तो इसका मतलब इसमें ए के साथ क्या √3 का तो इन्वॉल्वमेंट रखो। तो एक संभावना मेरे पास ये है कि क्यों ना मैं ए की वैल्यू √3 रख दूं, तो 20√3 √3 का स्क्वायर 3√3 तो ये तो 23√3 बना, ये बात जस्टिफाई नहीं हो रही है, चेंज कर देते हैं भाई 2√3 रख के देख लो 2√3 आपने यहां पर रखा तो ये क्या होगा 20 गुणा 2 40√3, और ये स्क्वायर करोगे देखना 2√3 का स्क्वायर 4 गुणा 3 12 12√3 और 40√3 तो इसका मतलब 52√3 बन गया। तो यहां से कंक्लूजन अपना क्या निकला, थोड़ा सा आपने कॉमन सेंस लगाया और यहां से आप साइड निकाल लाए और साइड कितनी आपकी 2√3। अब आ जाओ भाई सवाल पर, वॉल्यूम आपसे पूछा है बेस एरिया 6√3/4 साइड 2√3 स्क्वायर करोगे तो कितना आया था 12, ये बेस एरिया इसको मल्टीप्लाई करना है, बेस एरिया को मल्टीप्लाई करना है हाइट के साथ तो वॉल्यूम आ जाएगा, मल्टीप्लाई किया ये 6 गुणा 3 18 10 180 √3 ये अपना हो गया यहां पर रिजल्ट। तो ये
अच्छा सवाल था, इसको आप फिर से एक बार खुद से, जितने भी सवाल हैं मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या होगा, कुछ ग्रुप्स बना रखे हैं उनकी लिंक आपको मिलेगी, उन ग्रुप्स को आप ज्वाइन करें, वहां आप अपने डाउट्स भी भेज सकते हैं, प्लस में इन क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। और कंटेंट क्या समझ नहीं आता चैनल पर, कौन सी चीज कहाँ है, तो वो सब कुछ जानकारी वहां पर आपको मिल जाती है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर टू, सेकंड नंबर को देखो भाई। सेकंड में क्या कहा कि एक प्रिज्म का जो बेस है वो राइट एंगल ट्राइंगल है और जो परपेंडिकुलर साइड्स हैं वो 10 और 12 है, प्रिज्म की ऊंचाई 20 है और डेंसिटी दी है घनत्व, प्रिज्म का भार ज्ञात करें। तो देखो पहले तो निकाल लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है भाई, बेस एरिया 1/2 राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, 1/2 समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल, तो 10 × 12 120 बेस एरिया, इनटू में क्या है भाई हाइट 20 हो गई, ये क्या आ गया वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में लिखा जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। अब इसने एक छोटी सी बात कही कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है वो कितना है, 6 ग्राम। कोई कहे 10 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना होगा, तो आप कहोगे गुणा कर दो भाई 10 से, तो मैं कहूं ये जितने भी सेंटीमीटर क्यूब है इसका वेट क्या होगा, तो सिंपल सी बात है गुणा कर दो यहां से 6 से, रिजल्ट किस में आएगा, ग्राम में। वैसे भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब है, ये ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब है, यूनिट कट जाती है, बाकी इनमें आप कॉमन सेंस लगाया करें। यहां से कितना आ गया ये 60। अगर मान लो रिजल्ट उसने ग्राम में तो चलो निकल गया, मान लो वो रिजल्ट किलोग्राम में देना चाहे तो डिवाइड कर दो इसे 1000 से, केजी में बदल जाएगा, 6 × 6 = 36 × 2 = 72, 72 में 10 का डिवीजन कर दोगे तो रिजल्ट कितना आएगा 7.2 kg। ये अपना हो गया यहां से रिजल्ट। सवाल नंबर 3 पर आ जाते हैं। पहले इसकी लैंग्वेज को आप रीड करो। प्रिज्म का आधार दिया 28 सेंटीमीटर परिमाप का त्रिभुज और अंतःवृत्त की त्रिज्या, एक छोटी सी बात आई यहां पर स्मॉल आर, इन रेडियस होती है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर सीरीज चलाई थी, उसमें मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी पर बेस्ड वो सीरीज थी, लगभग 4 या 5 वीडियो थे, उनमें ये बात मैंने डिस्कस कर रखी है कि इन सेंटर में रेडियस और एरिया का रिलेशन क्या होता है और क्यों लिखा जाता है ऐसा। तो यहां से देखो स्मॉल आर क्या होता है भाई, एरिया इंटू एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। अब इसने क्या कहा, परिमाप आपके पास है 28 सेंटीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर की वैल्यू कितनी होगी भी 40, रेडियस कितनी 4 दे रखी है, एरिया कितना हो गया ट्राइंगल का 14 × 4 = 56। अब इसने क्या कहा कि प्रिज्म का जो आयतन है वो 366 है, तो आयतन कैसे लिखते हो भी, बेस एरिया इंटू में हाइट 366। देखो कैंसिल आउट करें, 6 से गुणा करेंगे 336, तो इसके हिसाब से तो रिजल्ट नहीं बनेगा, आगे किससे कटेगा, कटेगा नहीं। तो देखो या तो आप क्या करो, इस डेटा के हिसाब से अगर आप इसको यही मानते हो तो अपना आंसर है ऑप्शन 4, नन ऑफ दीज। आप उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहते हो, अगर मान लो जनरली क्या आंसर रहते ही अपने पास, तो यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा, H = 6 से कट गया तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। 366 के हिसाब से क्या रिजल्ट है, नन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो भाई, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज को आधार मानकर एक प्रिज्म बनाया गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 6 है, वॉल्यूम इतना है, तो प्रिज्म की हाइट। देखो वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो √3/4 6 का स्क्वायर बेस एरिया, इनटू में क्या करोगे हाइट, हाइट कितनी है, हाइट तो हमसे पूछी है वैसे भी, और वॉल्यूम कितना है 81√3, 4 से काटोगे 9 बार और 9 से काटोगे 81 को 9 बार, √3 से
रूट थ्री कैंसिल आउट, तो यहां पर एच की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 9। ये हो गया अपना रिजल्ट। इस सवाल को इजी में रख सकते हो क्योंकि कुछ खास था नहीं कैलकुलेशन के नाम पर भी। क्वेश्चन नंबर 5, लैंग्वेज को रीड करो पहले। तो क्या कहा है कि किसी प्रिज्म का, ये अपना सवाल नंबर 5 है, किसी प्रिज्म का शीर्ष लंब 10 सेंटीमीटर, असल में एल्टीट्यूड या हाइट की बात कर रहा है आपकी, आधार 12 सेंटीमीटर वाला समबाहु त्रिभुज है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो कॉमन सेंस लगाओ, देखो 2 × बेस एरिया, बेस एरिया क्या है भाई, √3/4, इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड है इसकी 12, तो 12 का स्क्वायर, तो ये लिख सकते हो 144। ये हो गया 2 × बेस एरिया प्लस बेस पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर कितनी होगी, 3 साइड 12 12 12 36, और इंटू में हाइट कितनी आपके पास 10। यहां से सोल्व कर सकते हो, ये काटा 2 बार, 2 से फिर काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 72√3 प्लस 360। अब यहां से क्या कह रहा है, कुछ पार्ट कॉमन लिया, तो देखो 72 कॉमन आ रहा है √3, और यहां मेंटेन भी रखते 36, इससे ले लिया 2, इससे ले लिया, तो यहां क्या बच गया फिर 5, या 72 × 5 आपका क्या होता है 360। तो अपना जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, लैंग्वेज को रीड किया, प्रिज्म है उसका बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेटरल सरफेस एरिया 120, आयतन आपको 40√3, तो प्रिज्म के आधार की भुजा आपको फाइंड करनी है। तो देखो यहां से क्या लिख सकते हो भाई, लेटरल सरफेस एरिया बेस पेरीमीटर, साइड ए है तो बेस पेरीमीटर 3 है, 3 भुजा होती है, इंटू में हाइट लिखोगे तो इक्वल में जो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास वो कितना आएगा, 120। ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया आपका बेस पेरीमीटर इंटू में हाइट। फिर इसने क्या कहा यहां से कि वॉल्यूम जो है वो 40√3 सेंटीमीटर क्यूब है, और तब प्रिज्म के आधार की भुजा आपको निकालनी है। वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया √3/4 ए स्क्वायर इंटू में आपकी हाइट, और यहां से जो रिजल्ट दिया इसने वो दिया आपने को 40√3। देखो ये पार्ट इससे कैंसिल आउट हो गया, इसको थोड़ा ऐसे समझो, ये a into h है, a into h, चलो थोड़ा ज्यादा ही छोटा लिख दिया है, a into h की वैल्यू यहां से कितनी आपके पास 40, इसको रख दो यहां, ये वाली जो बात है, ये जो पोर्शन आपका ah, इसकी जगह आपने 40 रखा, इससे कटा कितनी बार, 10 बार, या 40 से 40 काट दोगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। प्रिज्म के आधार की भुजा निकालनी है, ये लो अपना रिजल्ट आ गया। अगर हाइट पूछता तो क्या करते भी, 40 तो ये था ही, ए की वैल्यू 4 रखते, 40 से कैंसिल आउट हो जाता 10 बार, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाती, 10। तो ये भी क्या अपना थोड़ा सा ठीक सवाल है वैसे देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 7, सवाल नंबर 7 की बात करें, तो देखो इसने क्या कहा, एक समकोण प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल, ऊंचाई और आयतन, तीन चीजें दे रखी हैं। तो यहां से देखो इसने आधार का क्षेत्रफल दिया है 3√3/2 × p² हाइट दे दी है और वॉल्यूम दे दिया है, तो बेस एरिया इंटू हाइट इक्वल्स टू वॉल्यूम, पी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 3√3/2 और पी स्क्वायर, ये क्या हो गया अपना बेस एरिया, इसको मल्टीप्लाई किया गया है हाइट के साथ, हाइट है अपने पास 100√3, और इक्वल में अपने को दे रखा है वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है भाई 7200, और हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी, कैंसिल आउट कर दो भाई, √3 × √3 3 बन गया, 3 × 3 9, 9 से काटोगे देखो 2 जीरो ये कट गए,
9 से काटोगे कितनी बार कटा, 8 बार, 2 गुणा 8 16, पी स्क्वायर बराबर 16, तो पी की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 4। ये हो गया अपना रिजल्ट। आप लोगों को ये सवाल समझ तो आ रहे हैं ना? आजकल क्या क्या आपने कमेंट वगैरह करना भी बंद कर दिया है, और ये लॉकडाउन ऐसा आया कि आपने पढ़ाई लिखाई भी बंद कर दी है, तो धीरे धीरे कुछ टाइम अपना यूटिलाइज किया करो हर रोज का। अगर एसएससी सीडीएस इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको कम से कम 6-7 घंटे तो पढ़ाई करनी है। तो ये शायद 7 तक हो गया था, 8वां सवाल है। देखो प्रिज्म का बेस क्या है, एक ट्राइंगल है और उसकी साइड कितनी है, 13, 20, 21, 13, 20 एंड 21। ट्राइंगल की साइड दे दी। फिर इसने क्या कहा कि प्रिज्म का जो शीर्ष लंब है, कहने का मतलब जो हाइट है वो कितनी है, 9। इसका आयतन, आयतन क्या होता है भाई, बेस एरिया इनटू हाइट। अब देखो ये पता नहीं चल रहा कैसा ट्राइंगल है, तो यहां से क्या करोगे, सेमी पेरीमीटर लगाओगे, निकालोगे। सेमी पेरीमीटर तीनों साइड, पेरीमीटर को बताती है तीनों साइड का सम, उसका हाफ, 20, 40, 50, 54, 54 का हाफ कर दिया 2, 27। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोज फॉर्मूला, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इसको इस टाइप से काम में नहीं लेना, ये लिख दिया मैंने कि ये होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहां से इतना आसान डेटा है, सबको जोड़ा, 20, 20, 40, 13, 53 और 1, 54, हाफ किया 27। हीरोज फॉर्मूला में क्या होगा भाई, 27 गुणा 27 में से 21 चला गया, एस माइनस सी 6, 20 चला गया 7, और यहां से 13 चला गया तो 14। बेस एरिया इंटू में हाइट इक्वल्स टू में वॉल्यूम, ये आएगा। अब देखो गुणा नहीं करना, कॉमन ले लो, 7 है 7 गुणा 2 7 बाहर आ गया, क्या बचा, 2 बच गया यहां पर। 27 और यहां से क्या लोगे भाई, 3 गुणा 2 लिखोगे, 3 इसको दे दोगे 81 की वजह से, 9, 2 इसके पास 2 इसके पास, तो बाहर क्या आ गया, 2, और इंटू में क्या आ गया अपने पास, 9। तो ये क्या आपका वॉल्यूम, इसको कर लो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या करोगे, 9, 7, 63 गुणा में 9 गुणा 2 18, 18 गुणा 3 54, 18, 6, 108 और ये 113 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा हो गया रिजल्ट, 1, 1, 3, 4। चलो भाई सवाल नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करो पहले तो आप। सवाल नंबर 9 में इसने क्या कहा, सवाल नंबर 9 में इसने क्या कहा कि कोई मशीन है पर्टिकुलर और इसकी जो प्रिज्म के जैसी है, हाइट आपको 8 सेंटीमीटर दी और उसका जो नीचे का भाग है वो सम द्विबाहु, दो भुजाओं वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बराबर भुजाएं 5-5 है और शेष भुजा 6 है, आयतन आपसे पूछा। असल में देखो वॉल्यूम तो बेस एरिया इंटू हाइट है, तो ये जो आपको ट्राइंगल दे रखा है जिसकी दो साइड इक्वल है, प्रिज्म का बेस है ये, तो जो बराबर वाली साइड है वो कितनी है, 5 और 5, और ये कितनी है, 6। एरिया लिखना है तो क्या करो भाई, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, एकदम मिड में जाएगा, दोनों तरफ से सेम है, तो ये कितना आ गया, 3, इधर भी कितना, 3। इसकी हाइट निकाल लें, ट्राइंगल की हाइट, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, या फिर 3, 4, 5 ट्रिपलेट हो गया। तो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का जब एरिया लिखोगे तो क्या होगा, 1/2 बेस 6 हाइट 4, ये लिखा, ये तो ट्राइंगल का एरिया बेस एरिया हो गया, इनटू में आपकी क्या है, हाइट, गुणा कर दो भाई, 3 से कैंसिल आउट, 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 8 96 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से ये अपना हो गया रिजल्ट। अब आ जाते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 की बात कर लेते हैं। 10 नंबर जो सवाल है इसके लगा लो आप स्टार, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा, एक प्रिज्म का आधार,
ट्राइंगल के बजाय हिंदी में क्वाड्रिलेटरल का साइन कर देना, एबीसीडी है, और वॉल्यूम आपको दे रखा है 20-70। लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है तो बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। क्वाड्रिलेटरल की साइड दे रखी है 9, 14, 13 और 12, सबको ऐड कर दो, 12, 13, 25, और 25 के अंदर 14 जोड़ोगे 39, 39 में 9 जोड़ दिया 48, तो बेस पेरीमीटर तो आ गई अपने। इनटू में यहां पर आपको क्या रखना है, हाइट, हाइट फाइंड करनी है। हाइट कैसे आएगी भाई, बेस एरिया इनटू हाइट। अब बेस एरिया आप निकालोगे तो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का आपको एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए क्या करोगे, इसने एक बात दी है डी ए और जो बी है वो आपका राइट एंगल है, और फिर बी और सी कुछ भी मान लो यहां से, तो देखो वैल्यू रख दे, ए बी की वैल्यू 9, बी सी की वैल्यू 14, ये 13 और ये वाली वैल्यू 12। अब देखो 9 और 12 की वजह से राइट एंगल है तो ये कितना आ गया 15। इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, देखो ये तो इजी सा ही है, 12 × 9 = 108/2, तो इस ट्राइंगल का एरिया आ गया 54। इसका निकालना है तो क्या करोगे, हीरोज फॉर्मूला लगाओ, हीरोज फॉर्मूला के हिसाब से क्या करोगे, सबका सम 10, 20, 30, 5, 4, 9, 3, 12, 42 ट्राइंगल बी सी डी की पेरीमीटर हो गई, हाफ कर दिया 21 सेमी पेरीमीटर हो गई, तो यहां से हीरोज फॉर्मूला लगाया 21, 21 में से 15 चला गया 6, 14 चला गया 7 और 13 चला गया 8, पेर बनाओ, मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो देखो 7 × 3, 3 इससे ले लो, 21 बाहर आ गया, 2 इसके पास, 8 उसके पास, 8 × 2 = 16 की वजह से 4 आ गया, तो इसका मतलब इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया 84, 84 और 54, तो दोनों मिलाकर के क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया आपने निकाल लिया 138। तो यहां से देखो बेस एरिया आपके पास 138, बेस एरिया इनटू हाइट आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कितना 2070। अब यहां से हाइट की वैल्यू 2070 डिवाइड बाई 138 यहां रख दोगे, कैंसल आउट करें तो देखो 2 से ही कट पाएगा ये, तो ये कितना आ गया 24, और इसकी बात करें तो ये 69, मल्टीप्लाई किया 3 से हो रहा है, 3 बार कैंसिल आउट, ये 30, 30 × 24, तो 24 × 3 = 72, 720 ये आपका हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना क्या आ गया यहां से रिजल्ट। तो ये जो हमने सवाल किया है ये अच्छी कैटेगरी का सवाल है, इस पर स्टार लगा लेना, सवाल आपको सारे ही करने हैं, लिंक आपको दे रखी है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे, एक एक सवाल को फिर से करके देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करो पहले, तो 11 नंबर पेंटागन बेस है, इस सवाल को भी स्टार कर दो भाई, ये वाला जो सवाल है ये भी हमारा क्या है, एक इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, तो पहला काम लैंग्वेज को प्रॉपर मैनर में रीड करो। प्रिज्म का बेसिक पेंटागन है, भुजाओं का अनुपात 1√2√2, 1:2 है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर आधार सबसे बड़ी भुजा है, तो कहने का मतलब 2 किसको बता रहा है भाई, आपका 6 को बता रहा है, तो 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। प्रिज्म का आयतन, देखो यहां एक छोटी सी गड़बड़ कर रखी है इसने, गड़बड़ क्या कर रखी है, हाइट का कोई इश्यू नहीं, हाइट इजीली दे रखी है 10, पेंटागन कैसा भी हो सकता है, तो आप इसमें एक लैंग्वेज चेंज करेंगे और ये लिखेंगे कि जो सबसे बड़ी साइड है उसके दोनों के दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री, तो सबसे बड़ी साइड रेशियो में क्या, अपने पास रेशियो के अंदर सबसे बड़ी जो साइड आपको दे रखी है वो 2 है, और एक्चुअल में किसके बराबर है, वो 6 के बराबर, 2 6 को रिप्रेजेंट करता है, 1 3 को करेगा, 2 6 को करता है। अब इसके जो पास की साइड्स हैं एक एक करके मैं सारी लिख देता हूं, साइड क्या थी 1√2√2, एक एक करके सारी की सारी साइड्स को लिख देते हैं, देखो रूट टू के जस्ट पास ये 3, इसके जस्ट पास 3√2, इसके जस्ट पास 3√2 एंड ये वाली साइड कितनी हो गई 3 हो गई। अब यहां पर देखो एक छोटा सा करेक्शन जो मैंने करवाया था, वो करेक्शन क्या करना था आपको, बड़ी वाली जो साइड है उस पर जो एंगल बने हैं उनको 90 डिग्री कर देना, ये साइड 6 है, 2 किसको बता रहा आपका 6 को,
एक किसको बताएगा? तीन को। इसके पास में भी इधर क्या आ गया? तीन। और ये वाली साइड क्या आ गई? थ्री रूट टू एंड थ्री रूट टू। ऐसा अगर नहीं करेंगे तो इसके बिना आपका सवाल सोल्व नहीं होगा। ये करेक्शन करना था भाई आपको। अब यहां से तो ये देखो रेक्टेंगल बन जाएगा, सीधे सीधे एक रेक्टेंगल बनेगा। थोड़ा सा प्रॉपर डायग्राम बनाओगे, 6 × 3 = 18 इसका एरिया हो गया। अब ये वाली साइड 6 है, दो साइड आपकी इक्वल होगी, तो परपेंडिकुलर एकदम कहां जाएगा? मिड में। तो मिड में आ गया, तो ये साइड कितनी? 3। ये वाली कितनी? 3। ये 3 है, ये 3√2 बन रही है, तो इसका मतलब ये साइड भी क्या होगी? 3 ही होगी। 3 और 3 की वजह से 3√2। या ऐसा नहीं समझ में आए, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे 18 में से 9 चला गया, यहां पर आपके पास क्या बचा? 3। तो इस वाले जो ट्राइंगल का एरिया, पूरे का एरिया निकाल लेता हूं, 1/2, बेस आपका 6 और हाइट आपकी 3। तो यहां से रिजल्ट ये भी क्या दे देता है? 9। इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया? 18। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी कि इस पर्टिकुलर पेंटागन का एरिया कैसे निकाला जाए। तो पेंटागन का एरिया कितना निकल के आ गया? 18 + 9 = 27 आ गया। अब प्रिज्म का आयतन निकालना है, तो बेस एरिया 27, हाइट आपके पास 10, तो रिजल्ट आ गया अपना 270 cm³। ये हो गया अपना रिजल्ट। एक अच्छा सवाल है, रेशियो का जो कंपेरिजन है, देखो मैं उसको नहीं बता रहा आपको, वो कंपैरिजन आप खुद से कर लेना। इजी सी टास्क है, 2 6 के बराबर 1 3 के बराबर। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12। सवाल की लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले, तो वीडियो पॉज करके। क्या कहा? प्रिज्म है 90 डिग्री के अंदर, आधार एक समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री के पास वाली साइड है वो 10 और 12 है, प्रिज्म की ऊंचाई 20 है। अच्छा, ये वो पीछे जो सवाल आ गया था ना, रिपीट हो रहा है अभी। बेस एरिया कितना होगा? 12 × 10 = 120 / 60। बेस एरिया कितना? 60। फिर इसने क्या कहा? हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर, हाइट 20 लिख दी, सेंटीमीटर क्यूब आ गया। 1 cm³ का वॉल्यूम 6 ग्राम है। केजी में इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो डिवाइड बाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 36 72। तो यहां से इसका रिजल्ट क्या आ गया? 7.2 kg। इसको आप देख लेना, पीछे भी आ चुका है ये सवाल। सवाल नंबर 13 पर आ जाओ। पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 13 की लैंग्वेज देखो। प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है, ऊंचाई इसकी जो है वो अगर 1/4 कर दे और आधार की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दे तो पुराने और नए के आयतन का अनुपात। पहले तो देखो इसको डिटेल में समझ लो। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बेस एरिया √3/4, साइड मैंने ए मानी तो ए स्क्वायर, हाइट मैंने कितनी मान ली? एच। रेशियो नया जो बनेगा इक्विलेटरल ही रहेगा, जस्ट क्या किया इसने, साइड को डबल कर दिया, तो ए की जगह सॉरी साइड को 3 गुना कर दिया, तो ये 3a हो जाएगी। तो यहां स्क्वायर करोगे तो 9a² हाइट कितना कर दिया भाई? हाइट को h/4। अब देखो √3/4 इक्विलेटरल है, कैंसिल आउट, ए स्क्वायर और एच आपस में वैसे ही कैंसिल आउट, ये 4 का गुणा कर दोगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा? 4 9। इजी वे में कैसे कर सकते थे आप इस सवाल को? इजी वे में इसको आप कर सकते थे, आपको पता है बेस एरिया में दोनों ही तरफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो √3/4 √3/4 आएगा, मत लिखो, साइड इसकी 1 ले लो, तो 1 का स्क्वायर 1 और यहां साइड कितनी? 9। हाइट इसकी 1 ले लोगे तो इसकी हाइट कितनी? 1/4। रेशियो को इजी फॉर्म में लाना है तो दोनों तरफ 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो इजी फॉर्म में रेशियो बन जाएगा 4:9। ये चीज आपको पकड़ दी है। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 14 पर। क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करो पहले तो। क्वेश्चन नंबर 14 रेगुलर हेक्सागन पर बेस्ड आपका ये सवाल है। क्या कहा इसने? प्रिज्म की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, आधार की भुजा 4 सेंटीमीटर, प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखो 2 × बेस एरिया, बेस में क्या है? 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल,
एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया रूट थ्री बाई फोर साइड का स्क्वायर, साइड कितनी चार, चार का स्क्वायर 16। बेस एरिया, फिर लेटरल सरफेस एरिया, बेस पेरीमीटर छह भुजा है तो 6 × 4 = 24। बेस पेरीमीटर इंटू में हाइट, हाइट कितनी अभी 8 सेंटीमीटर, कर दो मल्टीप्लाई, ये 4 से कट गया। अब इसमें कॉमन लेकर के आंसर बना रखे हैं, 6 × 4 = 24 × 2 = 48, 48 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में √3, 24 2 × 4 = 48 तो बाहर आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 4। तो यहां से जो अपना ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन सी। ये भी ठीक सा सवाल है, बस इक्विलेटरल ट्राइंगल सॉरी रेगुलर हेक्सागन की आपके पास समझ होनी चाहिए, इतने में सवाल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर सवाल पर आ जाओ। क्या कहा, एक समलंब चतुर्भुज है, बेस समांतर भुजाएं 8 और 14 सेंटीमीटर, बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर, प्रिज्म का आयतन ये है, प्रिज्म की ऊंचाई। देखो ये इजी सवाल है, ट्रेपीजियम का जब भी आप एरिया निकालते हो, समलंब चतुर्भुज का 1/2 समांतर भुजाओं का योग 8 और 14 कितना हो गया भाई 22, गुणा में इनके बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी दे रखी है इसने 8 सेंटीमीटर, ये क्या अपना बेस एरिया इंटू में हाइट बराबर में वॉल्यूम 1056, हाइट हमें निकालनी है, यहां से कितना आ गया 11, 11 से काट दो 9 बार और 6 बार, एच बराबर 8 से काटोगे 12 बार, तो ये अपना रिजल्ट हो गया। यहां से सवाल आसान था, कोई खास लॉजिक काम नहीं कर रहा है, मतलब कोई ट्रेपीजियम का एरिया निकालोगे इतने में आपका काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, और अगर आपको देखो इनमें स्पीड वगैरह कुछ भी ज्यादा लग रहा है तो कमेंट करके आप सजेस्ट कर सकते हैं, मैं ये मानता हूं कि हर स्टूडेंट है वो डेडिकेशन के साथ इन चीजों को देख रहा होगा, नोट्स भी बना रहा होगा, क्वेश्चंस भी कर रहा होगा, तो स्पीड फिर भी आपको ये लगता है कि बहुत ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हो कमेंट करके बता दो, तो आगे की वीडियो में क्या है स्पीड को थोड़ा और स्लो कर देंगे। क्वेश्चन नंबर ये कितना आ गया भाई अपना सवाल नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, इसने क्या कहा कि किसी 15 सेंटीमीटर परिमाप वाले ट्राइंगल, पेरीमीटर 15 है, इन रेडियस 3 है, तो एरिया क्या होता है भाई, एरिया की तो नीड होगी यहां पर, एरिया स्मॉल आर की बात करें सीधे सीधे एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर ये होता है, प्रिज्म का आयतन ये है, प्रिज्म की ऊंचाई, तो बेस एरिया आपको निकालना पड़ेगा, तो बेस एरिया क्या होगा भाई आर इंटू में सेमी पेरीमीटर, रेडियस कितनी 3, पेरीमीटर कितनी 15, तो 15 का हाफ करोगे सेमी पेरीमीटर, ये क्या आ गया बेस एरिया, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है हाइट से, मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा वॉल्यूम, 3 से काटोगे 90 बार और 15 से काटोगे 90 को 6 बार, तो यहां से हाइट की वैल्यू कितनी आ गई 6 × 2 = 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया अपना रिजल्ट। ये जो छोटी छोटी चीजें अवॉइड कर रहा हूं कैलकुलेशन में, इनको आप थोड़ा सा सीखने की कोशिश करें, कि जरूरी नहीं है कि सारी चीजों को एकदम बहुत डिटेल में लिखोगे कटिंग करोगे, नहीं एक आदत डाल दो जिससे कि आपके लिए भी काम आसान हो जाए। क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर देखो, त्रिभुज की भुजाएं 9 × 12 = 15, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ऊंचाई ये है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो 2 × बेस एरिया, 9 और 12 क्या करेंगी 2 × बेस एरिया 1/2, 12 × 9, ये तो हो गया ट्राइंगल का एरिया, और फिर क्या करते हो बेस पेरीमीटर सबको ऐड कर दो, 9 और 12 = 21, 21 = 15 = 36, बेस पेरीमीटर इंटू में हाइट, हाइट कितनी दे रखी है 5, 2 से 2 कट गया, 12 × 9 = 108, 36 × 5 = 180, एडिशन कर दोगे 180 तो ये कितना आ गया 288, और ये सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां क्या था 9 12 15, जिसको भी पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल जनरेट करेगा तो सीधे सीधे आप यहां से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, सवाल नंबर 18 में देखो भाई,
क्या कहा कि प्रिज्म का आधार है जो 8 सेंटीमीटर भुजा वाला संभव त्रिभुज है, ऊंचाई 10 है। बहुत ही बेसिक सा सवाल। बेस एरिया रूट 3/4, साइड 68 का स्क्वायर 64, ये हो गया अपना बेस एरिया। आप थोड़ा सा ना इनको, ये जो ब्रैकेट भी मैं लगाता हूं ये भी अवॉइड किया करें, क्योंकि इसमें भी आपका टाइम किल होता है, इस टाइप की आदत भी आपको छोड़नी है। बेस एरिया इंटू में हाइट, 16 बार कटेगा, 10 से गुणा, 160 अंडर रूट 3। तो ये इजीली हो गया अपना। सवाल नंबर 19 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा, प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज भुजाएं जिसकी 5 12 13 है, प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, ऊंचाई टोटल सरफेस एरिया में देखो, एक सिंपल सी बात है कि बेस एरिया, अब थोड़ा सा इजी करते हैं, 5 और 12 पर राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, तो 1/2 5 गुणा 12 60/2 30, 30 नीचे का एरिया 30 ऊपर का एरिया कितना हो गया 60, 360 में से 60 घटा दो तो अब क्या बचा, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, बेस पेरीमीटर, 12 13 25 5 30, बेस पेरीमीटर इंटू में हाइट इक्वल्स टू में लेटरल सरफेस एरिया, कितनी बार कट गया भाई 10 बार, तो 10 सेंटीमीटर क्या हो गई अपनी यहां से हाइट। क्वेश्चन नंबर 19, हो चुका है अपना। क्वेश्चन नंबर 20, सवाल नंबर 20 की बात करें तो यहां से देखो ये क्या कहा, प्रिज्म है, प्रिज्म का आधार वही रहता है, किनारों को हाफ कर दिया है तो इसका आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाता है। देखो प्रिज्म का बेस एरिया, कुछ भी हो सकता है, पहले एक था अब भी एक है, हाइट को क्या किया आधा, पहले हाइट 2 थी इसका जस्ट हाफ कर दिया 1, तो वॉल्यूम बेस एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम क्या हुआ भाई 2 से 1 हो गया, कितने की कमी, हाफ हो रहा है जस्ट, वैसे भी दिख रहा है 50%, या फिर 1 की कमी हुई है किस पर 2 पर, प्रतिशत में बदलना है मल्टीप्लाई बाई 100, तो रिजल्ट अपना क्या हो जाएगा 50%। 20 तक हो गए, सवाल नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो देखो इसने क्या कहा कि एक प्रिज्म का जो आधार है त्रिभुजाकार है, तो थोड़ा सा सवाल को रीड करना, एक्सप्लेन करके ही बता देता हूं। देखो इसने एक डेटा दिया कि v प्लस e माइनस f डिवाइड बाई 2 का रिजल्ट क्या होगा, v क्या है इसके वर्टेसेस को बताता, वर्टेक्स मतलब शीर्ष, 1 2 3, 3 तो नीचे तो 3 ऊपर 6, क्लियर है, इमेजिन कर सकते हो, ये दिखा रहा हूं बस मैं आपको। फिर इसके f क्या है, सरफेसेस है, सॉरी e को देख लेते हैं, e क्या है इसके किनारे, किनारे देखो 1 2 3, 1 2 3, 3 नीचे 3 ऊपर और 1 2 और 3, तो ये कितना हो गया 3 6 9, फेस सरफेस कितनी है इसकी 1 2 3, तो ये हो गई 1 ऊपर 1 नीचे, तो -5 डिवाइड बाई 2, 9 6 15 में से 2 चला गया 5 का डिवीज, 9 6 15 में से 5 चला गया 10 डिवाइड बाई 2, तो यहां से इसकी जो वैल्यू है वो क्या निकल के आ गई 10। अब आ जाते हैं भाई सवाल नंबर 22 पर, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा, एक ट्रेपीजियम है और जो पैरेलल साइड है वो है 10 और 6, बीच की दूरी 5, ऊंचाई 8, तो देखो सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, 1/2, पहले तो ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लेते हैं, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड का सम कितना हो गया 10 प्लस 6 16, हाफ कर दिया 8, बीच की दूरी गुणा में 5, तो बेस एरिया कितना आ गया अपना 40, और इनटू में मल्टीप्लाई क्या करना है 8 से, तो यहां से कितना आ गया 320 सेंटीमीटर क्यूब। ये थोड़े थोड़े सुधार करते रहो जिससे क्या आपकी स्पीड मेंटेन हो जाए। अब आ जाते हैं अगले सवाल में, सवाल नंबर 23, लैंग्वेज को रीड करो पहले तो, ठीक है, बाय चांस किसी सवाल की लैंग्वेज नहीं भी रीड कर पाते हो तो वीडियो को पॉज कर दिया करो एक बार। 23 में क्या कहा कि प्रिज्म का बेस है वो एक रेक्टेंगल है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात, प्रिज्म की ऊंचाई 12 है, टोटल सरफेस एरिया 288 है, प्रिज्म का आयतन, देखो स्टार लगा लो सवाल के, साइड क्या कर लो
3x और 2x ले लो। देखो 3x और 2x क्यों ले रहे हैं, कि जहां कहीं भी दो रेशियो मल्टीप्लाई होते हैं अगर आप x नहीं लोगे तो गलत हो जाएगा। रेशियो का जो पहला पार्ट मैंने पढ़ा रखा है एक जगह, उसके अंदर ये चीज बता रखी है कि बेसिक्स ऑफ रेशियो है, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यों रखना जरूरी है। तो देखो साइड आपने क्या ले ली, 3x और 2x। अब आ जाओ कि इसने क्या कहा, इसका टोटल सरफेस एरिया, हाइट आपको कितनी दे रखी है 12, बेस एरिया 2 इंटू बेस एरिया, 3 गुणा 2 6 एक्स स्क्वायर, जस्ट डबल कर दिया बेस एरिया का डबल। बेस पेरीमीटर 3 2 5 और 5 10, 10 एक्स बेस पेरीमीटर इंटू में आपके पास क्या है यहां पर हाइट 12, इक्वल्स टू में आपका क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया 288, कैंसिल आउट हो रहा है 12 से, ये कट गया और यहां से कितना आ जाएगा 12 24 4। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स बराबर 24, या तो क्वाड्रेटिक लगाओ या फिर मैंने आपको क्या कहा है कॉमन सेंस लगाओ, वैल्यू रखें जैसे एक्स की वैल्यू 1 रखी, 10 और 11 ही बना, एक्स की वैल्यू 2 रखी, 10 गुणा 2 20 और 4 24। तो यहां से क्या करता है एक्स 2 को जस्टिफाई कर देता है। तो आपने क्या किया यहां पर x की वैल्यू निकाल ली कॉमन सेंस लगाकर। हाँ जब कॉमन सेंस से भी बात नहीं बन रही है तो क्या करोगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाना ही पड़ेगा। x की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब साइड कितनी है 6 और 4। तो इसने क्या कहा प्रिज्म का आयतन बेस एरिया 6 गुणा 4 24 और इंटू में हाइट कितनी आपकी 12, 144 गुणा 2 288, 12 गुणा 2 रीड किया इसको 288 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या हो गया अपना रिजल्ट। अब देखो आगे चलते हैं। अच्छा यहां तक ही अपने सवाल थे, 23 सवाल थे इस सेशन के अंदर। तो अब देखो थोड़ा सा मैं आपको आगे की प्लानिंग समझा देता हूं कि आगे क्या करेंगे हम लोग। एक तो आप जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है और फेसबुक का जो पेज है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसमें क्या कुछ पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देते हैं जैसा हम लोग ऑफलाइन कोचिंग के अंदर पढ़ाते हैं, वो सारा का सारा कंटेंट आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, एक तो काम ये। अब अपने जो थ्योरी के सेक्शन थे सारे के सारे मैंने एक एक करके आपको डिस्कस करवाए, कि क्यूब पढ़ाया तो क्यूब की बात की, कौन पढ़ाया कौन की बात की, पिरामिड पढ़ाया पिरामिड की ही बात की, टेट्राहेड्रोन जब आपको पढ़ाया गया टेट्राहेड्रोन की ही बात की। थ्योरी सारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको कुछ पर्टिकुलर फिगर है उनके बारे में डिस्कशन करवाऊंगा, और अब हम किसी भी पार्ट पर किसी भी टाइप के सवाल कर सकते हैं जो मिक्स होकर के सवाल बनेंगे, जिससे आपके अंदर एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि एसएससी ने जो अच्छे सवाल पूछे हैं, कुछ बेसिक भी सवाल करेंगे, सीडीएस ने जो सवाल पूछे हैं या फिर कैट ने जो सवाल पूछे हैं, कुछ ओलंपियाड के अंदर भी कुछ ठीक ठीक सवाल से आए हुए हैं जो काम के हैं अपने, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको ये हमारे वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताया करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में। जय हिंद जय भारत।